सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपके पेपर्स जी सूट पर अर्थात गूगल क्लासरूम में होने हैं और इस संबंध में आपको शुरू से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इसी तारतम्य में आज एक और मैसेज या एरर के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। बेटा, ये जो एरर है या ये जो मैसेज है, ये तभी आता है जब आपने अपने किसी हैंडसेट पर दो आईडी एक साथ एक्टिवेट कर रखी हो। अर्थात यदि दो भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं, एक ही मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी आईडी दोनों एक ही मोबाइल में इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब उसी लिंक को दोनों भाई बहनों ने जब सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो ये एरर और ये मैसेज आपको डिस्प्ले होता है। मतलब दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उसमें से एक भाई या एक बहन ने ये पेपर सॉल्व कर दिया। जब दूसरा भाई या दूसरी बहन इस पेपर को सॉल्व करने के लिए लिंक पे क्लिक करती है, तब ये एरर आपके सामने आ जाती है। तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सबसे आवश्यक यही होता है कि हम थोड़ी देर के लिए उस बच्चे की आईडी को डीएक्टिवेट या रिमूव अकाउंट कर दें जिसने वो पेपर पहले कर लिया है। इससे दूसरा बच्चा जिसने पेपर नहीं दिया है वो पेपर इजीली दे सकता है, वो पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। चलिए देखते हैं ये किस तरह से किया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, आपके सामने एरर मैसेज डिस्प्ले है। आप अपने उस ब्राउज़र में टॉप राइट कॉर्नर पर देखें, थ्री डॉट्स नज़र आएंगे, उन डॉट्स पर क्लिक करें। यहाँ सेटिंग्स पर आएँ, आपके सामने जो पेज है उसमें अकाउंट में आपको एक्टिवेटेड आईडी दिख रही होगी, अकाउंट पर क्लिक करें। आपके सामने पूरे लिस्ट नज़र आएगी जितनी आईडी आपके इस मोबाइल हैंडसेट पर एक्टिवेटेड है। जिस तरह अभी इस हैंडसेट पर दो आईडी एक साथ एक्टिवेटेड हैं, जिसमें से एक आईडी ने ये पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, हम उस आईडी को डीएक्टिवेट कर दें जिस आईडी ने उस पेपर को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, उस आईडी को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद गूगल को क्लिक करें, यहाँ पर उस आईडी को सिलेक्ट फिर से करें जिसको आपको रिमूव करना है। यहाँ मोर पे क्लिक करें, रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर दें। कन्फर्मेशन पूछेगा, कन्फर्म कर दें रिमूव अकाउंट। अब आपका वो अकाउंट यहाँ से हट चुका है। बच्चे ये ध्यान दें, आप उस अकाउंट को वापस ऐड अनदर अकाउंट करके जोड़ लें जिसको अभी आपने डिलीट किया है या रिमूव किया है, क्योंकि यदि आपने उसे नहीं जोड़ा तो वो बच्चा दोबारा जीमेल में और या फिर आपकी जी सूट आईडी में एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। आपको ऐड अनदर अकाउंट करके उसे जोड़ लेना है। यह रिमूवल की प्रोसेस शॉर्ट टाइम के लिए आपको सेम मोबाइल से पेपर करने के लिए बताई जा रही है। आपको वापस उस आईडी को यहाँ एक्टिवेट करना होगा, तभी वो दूसरा बच्चा कंटिन्यू अपनी क्लासेस यहाँ से कर सकेगा। इसके लिए आपको पहले से एक वीडियो दिया जा चुका है जिसमें आपको किस तरह से किसी अकाउंट को ऐड करना है। चलिए अब हम आते हैं अपने उस लिंक पर, ये वेब पेज ओपन हो रहा है। पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, ये नीड परमिशन की एरर आई, मतलब वो हमें अब आईडी सिलेक्ट करने की परमिट करेगा। यह हम प्रोसेस हम कल भी समझ चुके थे, अतः इसे दोबारा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप कल के वीडियो से देखकर भी इस एरर से निकल के आईडी एक्टिवेशन की प्रोसेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ हमने उस बच्चे की आईडी सिलेक्ट कर ली जिसे वो पेपर फिर से सॉल्व करना है। हम बैक आकर फिर से अपने उस पेज को रिफ्रेश करें। देखिए वेब पेज लोड हो रहा है और आपका वेब पेज या यूं कह लें कि आपका एग्ज़ाम पेपर ओपन हो चुका है। इस प्रोसेस को करने से आप उसी मोबाइल हैंडसेट पर दूसरा बच्चे पेपर दे सकते हैं। मतलब यदि दो भाई बहन एक ही मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को करने से वो दोनों बच्चे एक ही हैंडसेट पर एग्ज़ाम दे सकते हैं।
विशेष ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपने एक बच्चे के अकाउंट को रिमूव कर दिया है। आप पेपर देने के बाद उस बच्चे को ध्यान से ऐड कर दें ताकि वो बच्चा अपने उस पेपर को देने के बाद दोबारा अपनी क्लास को अटेंड कर सके। आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।